नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक में विभाग के सचिव, उपायुक्त सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे पेयजल संकट को दूर करने के लिए राज्य सरकार की पहल पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव राजेश शर्मा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक पर जमीनी हकीकत को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जहां बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद हैं। वहीं सचिव राजेश शर्मा ने बैठक के दौरान अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2022 से लेकर 2024 में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता सामने आई है, जहां पूर्वी सिंहभूम जिला दूसरे स्थान से दसवें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले एक वर्ष में 23% उपभोक्ताओं में कमी आई है, जो कि एक चिंता का विषय है। इनफैक्ट पूरे स्टेट में 23-24 काफ़ी अच्छा काम हो। यहाँ पे 23-24 में अगर नंबर ऑफ एफएसटीसी देखें तो 27,000 है, मतलब 22-23 से भी घट गया है। पर डे जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं उसका नंबर भी हम लोग देखें तो 42-55 का, फिर 81 और 77, इस साल इनफैक्ट और घट गया है। इस साल अभी तक 3 महीने में 34 कनेक्शन दिए गए। अगर इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो शायद साल भर में हम वो टैक्स इसका दे पाएंगे, मतलब लगभग 14,000 ही होगा, जो पिछले साल का भी आधा हो जाएगा। पर डे अगर हम देखें तो पिछले साल 77 का हाइस्ट 81 गया है, इस बार अभी तक हम लोग पर डे 36 दे पा रहे हैं, तो ये नंबर काफ़ी कम है। इसका रीजन संभवतः ये है कि आपके पहले SVS थे जो बने, उस समय आपने दे दिए कनेक्शन कम टाइम में, अब आपके MVS बचे हैं, यही रीज़न है। बट इसके आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आइए। आपके SVS में जो बच्चे होंगे, ये इशू है, इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GVN 24।